एवरीवन, वेलकम टू विनकर एजुकेशन। विनकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको व्यापम के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को आज हम देखने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश की कुछ संस्थाएं एवं कुछ योजनाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन हमारे पास में दिए हुए हैं, सन 2000, 2002, 2005, 2012। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत की गई थी 2005 में। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये हमारे यहां पर बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, और ये कॉलेज है आपका ग्वालियर में बना हुआ है। ऑप्शन हमारे पास में दिए गए थे ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पल्स पोलियो कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कब से प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन योजना से लिया गया है, तो पल्स पोलियो कार्यक्रम के बारे में हमें बात करनी है। मध्य प्रदेश में कब से प्रारंभ हुआ ये बताना है। ऑप्शन दिए हैं 1999 से 2000, 1995 से 1996, 1990 से 1991, 1998 से 1999। इसका एग्जैक्ट आंसर है 1995 से 1996। पल्स पोलियो कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आया था 1995 से 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में कुष्ठ निवारण कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 2005, 2006, 2007, 2008। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 2007। मध्य प्रदेश के गठन के समय साक्षरता का प्रतिशत कितना था। मध्य प्रदेश के गठन के समय, मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था उस समय पे साक्षरता का प्रतिशत कितना था। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो है 10%। ऑप्शन दिए हुए हैं 12%, 14%, 10%, 19%। तो मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था, मध्य प्रदेश के गठन के समय जो साक्षरता थी हमारे यहाँ पर 10% थी। आज हम साक्षरता के दर में बहुत ऊपर हैं, लेकिन जब गठन हुआ था तब हमारी साक्षरता की दर थी मात्र 10%। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये है महू में स्थित है। इसके ऑप्शन दिए हुए थे भोपाल, जबलपुर, महू और उज्जैन। हम जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म महू में हुआ था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान जो बना हुआ है वो महू में बना हुआ है। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई। 1997, 1978, 1947, 1968। तो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना जो की गई है वो है 1968 में की गई है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन दिए गए थे महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, गजराज चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर और SN मेडिकल कॉलेज रीवा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है गजराज चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर। मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। जबलपुर, बुरहानपुर, रीवा, भोपाल। तो इसका आंसर है जबलपुर। मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, वो है जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन दिए गए खंडवा, भोपाल, रीवा और जबलपुर। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश का दंत चिकित्सा महाविद्यालय बना हुआ है आपका भोपाल में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।